वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हावआर योर स्टडी इज़ गोइंग ऑन पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों ओके सो वील कंटिन्यू विथ टूडेज चैप्टर कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन अपटिल नाउ वी हैव डन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे वो गो थ्रू दैम रीड दैम अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आफ्टर ऑल वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है सो टुडेज टॉपिक कमिंग अप टू टुडेज टॉपिक दैट इज सेपरेशन ऑफ पाज अरे ये तो बहुत ईजी है दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ये मैंने और जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे तब समझाया हुआ है आपको दैट देर इज सेपरेशन ऑफ पार्स सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक व्हाट डज इट मीन सेपरेशन ऑफ पार क्या मतलब हुआ बच्चों बताओ सेपरेशन ऑफ पार का मतलब पार्स आर डिवाइडेड याद आ रहा है कुछ मैंने पहले के पॉइंट्स में भी समझाया है आपको किसके बीच में पार्स डिवाइडेड हैं यस द थ्री ऑर्गन्स ऑफ आ गवर्नमेंट बताओ कौन कौन से हैं ऑर्गन्स याद हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट व्हाट आर दीज थ्री ऑर्गन्स द लेजिस्लेचर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी द लेजिस्लेचर कॉम्प्राइज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कौन सी है हमारे इंडिया की लेजिस्लेचर क्या कहलाती है द पार्लियामेंट वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं एम कहते हैं एंड दे गो एंड सिट इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का काम भी बताया था मैंने वॉट आर द रिस्पांसिबिलिटीज टू मेक लॉज लेजिस्लेचर क्या काम करती है टू मेक लॉज सो द लेजिस्लेचर जिसके मेंबर्स दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉल ग्रुप व्हिच इंप्लीमेंट्स द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर व्हाट इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री कौन आता है उसमें द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये भी किसके मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं और स्मॉल ग्रुप है एग्जीक्यूटिव वो जो लॉज लेजिस्लेचर बनाती है

मेड बाय द लेजिस्लेचर और थर्ड ऑर्गन कौन सा है द जुडिशरी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग जस्टिस थ्रू इट्स डिफरेंट कोर्ट्स और जुडिशरी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन फंक्शन क्या है टू गिव जस्टिस थ्रू वेरियस कोर्ट्स स्टार्टिंग फ्राम द हाइस्ट वन सुप्रीम कोर्ट देन नेक्स्ट आते हैं हाई कोर्ट देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम अदालत कहते हैं आप सब जानते हो ना अदालत कहाँ है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सो और विलेज में भी अलग अलग कोर्ट्स होते हैं सो दिस इज जुडिशरी एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी इज टू इम्पार्ट जस्टिस सो दीज आर द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टू अवॉइड अ क्लैश अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट अप सी वेन अंस्टिट्यूशन वॉज मेड

what are the powers and responsibility of the legislature what are the powers and responsibility of the executive and what are the powers and responsibilities of the judiciary it's <coughs> sorry it's very clearly written down in the constitution in order to ensure a balance between all three organs of the state each organ acts as a check on the other organs see this is also a very important feature ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ पार्ट्स तीनों को जो है लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट पार्ज मिले हुए हैं लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉ एंड जुडिशरी गिव्स जस्टिस बट इस सेपरेशन ऑफ पार के साथ एक और फीचर जुड़ा हुआ है चेक दे ऑल चेक ईच अदर चेक करने का मतलब ये देखना कि दूसरा ऑर्गन कहीं अपनी लिमिट से आगे तो नहीं जा रहा है ना ये एक चेक एंड बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है तीनों ऑर्गन्स अलग अलग नहीं है सेपरेट नहीं है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में कि वो बिल्कुल अलग लेजिस्लेचर अलग एग्जीक्यूटिव अलग नो चिल्ड्रन, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर तीनों को पार्ट्स डिवाइडेड हैं तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है इसके साथ साथ कुछ एक ऐसा सिस्टम भी बनाया गया है जो हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के काम पर नजर भी रखते हैं उन्हें कुछ गलत करने से रोकते हैं दिस इज द चेक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड इन दिस सेपरेशन ऑफ पार्स विदाउट सच सेपरेशन ऑफ पार्स डेमोक्रेसी कैन बी पैरालाइज्ड एट एनी मोमेंट लीडिंग टू इट्स क्लेब्स अगर ये डिवीजन ऑफ पार नहीं होता तो इट वुड हैव बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द गवर्नमेंट इतने सालों से सेवेंटी एट्टी ईयर्स से जो हमारे यहाँ सेवेंटी ईयर्स मोर देन सेवेंटी ईयर्स नाउ जो ये डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है और बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है कभी कोई मुश्किल नहीं आई इसमें इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ पास अगर ऐसा नहीं होता तो तीनों ऑर्गन में क्लैश होते और तब पीसफुली गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाता तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन दिस सेपरेशन ऑफ पार दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ पार्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जस्ट टू रन डेमोक्रेसी सक्सेसफुली अच्छे से हमारे देश का काम चलता रहे गवर्नमेंट के सामने कोई मुश्किल ना आए इसलिए बहुत ज़रूरी था ये सेपरेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियरली किया है बहुत क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कौन से ऑर्गन के कौन से पार्ट्स हैं ताकि कभी किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और ना ही वो एक दूसरे के पार्ट्स में इंटरफेयर करें सो दिस इज सेपरेशन ऑफ पार्ट्स नाउ वी विल डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ वेरी रेलिवेंट नाव डेज आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है समझने की जरूरत है प्रेजेंट टाइम्स में दैट इज अ सेक्यूलर स्टेट इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेक्युलर स्टेट रियम रिमेंबर प्रियम्बल प्रियम्बल में हम डेमोक्रेटिक सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर भी पढ़ते हैं वर्ड सो वील डिस्कस हाउ इंडिया इज अ सेक्यूलर स्टेट the indian constitution has declared india to be a secular state. now let's see what does this secular state means. where all the citizens enjoy equal rights irrespective of their caste, color, creed, religion or sex. ye ek very important feature hai for the country like india. you know, india is the only country in the world. i tell you, children. only country in the world which has followers of all the religions in the world as its citizens हमारे इंडिया में दुनिया में जितने भी तरह के रिलीजन हैं जितने भी हैं सबके फॉलोअर्स इंडिया में रहते हैं तो जहाँ इतने सारे रिलीजन्स के फॉलोअर्स रहते हों और इन रिलीजन में इंडिया में बॉर्न रिलीजन भी हैं और बाहर से आए हुए रिलीजन्स भी हैं और सबके फॉलोअर्स इंडिया में रहते हैं कितनी बड़ी बात है देखो इंडिया के ना बड़ा अचीवमेंट है ये तो जब इंडिया फ्री था हो रहा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था मेकिंग में था एट दैट टाइम ऑल्सो ऑल द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन्स व लिविंग इन इंडिया और देखो अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री याद है हमारा फ्रीडम मूवमेंट समझा है आपने देखा है 47 के टाइम पर इंडिया का डिवीजन ही किस बेस पर हुआ था इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज याद है पता है ना ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन हमारा तो डिवीजन ही रिलिजन के बेस पर हुआ था पाकिस्तान वाज सेपरेटेड एज़ मुस्लिम कंट्री उसके बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स थे बहुत सारे फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन थे तो ऐसे टाइम पर जब सारे फॉलोअर्स यहाँ रह रहे हों इंडिया को हम एक रिलीजियस कंट्री तो नहीं बना सकते थे वॉट अबाउट द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन और फिर हमारे यहाँ तो सारे रिलीजन को बराबर से रिस्पेक्ट किया जाता है हमारा इंडियन कल्चर ही इसलिए इतना बड़ा है बिकॉज वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन् तो ये रिस्पेक्ट कंटिन्यू रहे और उस कोई लड़ाई ना हो रिलीजन को लेकर सो इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सेक्यूलर स्टेट इट मीन्स all the citizens are equal whether they belong to any religion whether they belong to any caste whether they live in any region or whether they are male or female everybody is considered as equal and they have got full freedom to practice their religion hai na aapki class mein har religion ka bachcha hai मिलजुल कर रहते हो सब यू ऑल आर फ्रेंड्स विथ ईच अदर आप लोग एक दूसरे के फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हो

हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके ऑफिशियल रिलीजन है। इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी, पाकिस्तान का इस्लाम श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है ना ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ के ऑफिशियल रिलीजन है बट इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड एज सच नो वन वुड आई द सफ़र और इन्जॉय स्पेशल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर रिलीजन और रिलीजन के नाम पर कोई सिटीजन्स को स्पेशल राइट्स नहीं मिले हैं एवरीबडी इज कंसिडर्ड एज इक्वल बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती गवर्नमेंट के लिए भी सारे रिलिजन बराबर हैं दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर स्टेट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ है ना लॉ इज सुप्रीम वो भले किसी भी रिलीजन का पर्सन हो सेम क्राइम सेम पनिशमेंट एंड एन्जॉय इक्वल राइट्स है ना और सबको बराबर राइट्स मिले हुए वे हैं वेदर दे बिलोंग टू एनी रिलिजन एनी कास्ट मेल फीमेल ब्लैक वाइट इंडिया के किसी भी रीजन में रहते हों बट दे आर कंसिडर्ड एज इक्वल दिस इज सेक्युलर स्टेट गवर्नमेंट किसी रिलिजन को पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी गवर्नमेंट के लिए सारे रिलीजन बराबर हैं सारे रिलिजन फॉलोअर्स को अपने अपने रिलिजन को फॉलो करने की फ्रीडम है वो अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर सकते हैं है ना सब कुछ एवरी फ्रीडम इज गिवन टू ऑल द सिटीजन्स एंड दे ऑल आर कंसिडर्ड एज इक्वल दिस इज अ सेक्युलर स्टेट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आई होप यू अंडरस्टूड इट सो टूडेज क्लास इंस्टेड ऑफ वन वी डिस्कस्ड टू फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि दोनों बहुत ईजी थे फर्स्ट वन वॉज सेपरेशन ऑफ पार्स सेपरेशन ऑफ पार्स तो हम पहले वाले कुछ पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं आपको मैंने वैसे भी समझाया है हाउ दीज पाज आर सेपरेटेड बिटवीन थ्री ऑर्गन्स अब बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में एंड हाउ इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था जो आपको समझना था गो थ्रू दीज टू पैराग्राफ्स आपको सब समझ में आ जाएगा ओके बच्चों विल कंटिन्यू टुमरो टिल देन कीप रीडिंग